नमस्कार, आज जन सरोकार मंच के कार्यक्रम में, साक्षात्कार कार्यक्रम में मैं प्रसिद्ध लेखिका और रचनाकार वेद स्मृति कृति जिसे आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, ये लंबे समय से लिख रही हैं और इन्होंने अपने साहित्य लेखन से लघु कथा, कविता, कहानी इन सभी विधाओं को समृद्ध किया है और बहुत ही समर्पित भाव से सृजन कर्म में ये साधनारत हैं। आपका स्वागत है वेद स्मृति कृति जी आज के कार्यक्रम में। हम लोग बेहद खुश हैं कि आप आज के कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। मैं भी प्रणाम करती हूँ आपका और इस मंच का, जन सरोकार चैनल का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर अपने कुछ पल साझा करने के लिए, कुछ साहित्यिक यात्रा के बारे में बताने के लिए। नमस्कार और आभार। और मैं आपसे सबसे पहले आपके रचना कर्म के बारे में जानना चाहूंगा कि आपने, आपकी रुचि किन किन विधाओं में रही है और आपने किन किन विधाओं लेखन किया है। मैं माँ वाणी को सबसे पहले नमन करती हूँ, हमारी जो साहित्यकारों की अधिष्ठात्री और प्रथम पूज्य भगवान गणेश को। और बताइए कि मैंने शुरू जो किया था लेखन, वो तो मैंने गद्य से ही किया था कि एकदम तो कोई कविता नहीं करता है। और मैं जब फोर्थ स्टैंडर्ड में थी, जब मेरी पहली रचना स्कूल की ही पत्रिका में छपी थी, छोटे बच्चे ही रहते हैं तब, तो लेखन में मेरा रुझान बचपन से है क्योंकि मेरे मम्मी भी लिखती थी, पापा भी लिखते थे। ये बात और है कि उन्होंने बहुत बड़ा, मतलब संघर्षों में और शिफ्टिंग में वो बहुत ज्यादा अपने लेखन पे फोकस नहीं कर पाए, लेकिन विरासत में मैं कहूँ तो मुझे विरासत में ही मिला है। आपके परिवार में, घर में साहित्यिक वातावरण रहा और उससे आपको प्रेरणा मिली, एक रुझान आपके भीतर भी कायम हुआ। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि घर का जो माहौल है और समाज का माहौल भी वो व्यक्ति को लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। कई बार अपने इष्ट मित्रों से और कई बार दोस्तों से मिलकर हम साहित्य के लेखन के बारे में सोचने लगते हैं और साहित्य लिखने लगते हैं, तो लेखन में इसका बहुत महत्व है। खैर, आपको घर से प्रेरणा प्राप्त हुई, अपने पिताजी से प्रेरणा प्राप्त हुई, तो आपके पिताजी क्या करते थे, आपने माता पिता के बारे में आप बताएं। मेरे पिताजी तो बैंक में मैनेजर थे, बैंक की उनकी जॉब थी, तो इसीलिए हम लोगों का स्थानांतरण बहुत होता रहता था। तो घर कहीं पे भी बना लिया हो, लेकिन हम लोग पूरा जीवन हम लोग एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरह से मतलब शिफ्ट ही होते रहे हमेशा। तो वो जो एक ये सब सिलसिला जो है, स्थानांतरण का सिलसिला, ये महाराष्ट्र में मतलब सब हो रहा था, नहीं अभी तक चल रहा है। पापा का तो खैर जॉब ही स्थानांतरण वाला था, बैंक में तो होता ही रहता है। हालांकि ये महाराष्ट्र के भीतर ही आप लोग एक शहर से दूसरे शहर में आप लोगों का आना जाना चल रहा था। महाराष्ट्र तो मैं शादी के बाद आई, पहले मेरे पापा तो ट्रांसफर होके, पहले वैसे मेरी जो बिल्कुल शुरू की जो शिक्षा है वो आगरा में हुई, फिर हम लोगों का जहाँ 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 पर पापा गए वहां वहां पर एक एक क्लास ऐसे, कहीं कहीं 6 महीने, कहीं साल भर, कहीं 11 महीने, इसी तरह पढ़ते। आगरा में आप कितने सालों तक रही? हम लोग स्थानांतरण होते हुए मेरा एडमिशन तो आगरा में ही हुआ था, उसके पहले पापा बहुत जगह पे रहे। तो जब मेरी शुरुआत की शिक्षा तो एक हिंदी मीडियम, संस्कृत मीडियम और इंग्लिश मीडियम, मतलब मैंने बिल्कुल पहला ही जो क्लास पढ़ा है उसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों ही हाई लेवल की थी। पढ़ाई लिखाई की शुरुआत आगरा में हुई है, आगरा में की थी। और यहाँ पर कब तक आप रहीं, कितने सालों तक आप आगरे में रहीं? फिर मैं उस समय सिक्स स्टैंडर्ड में थी जब हमारे पापा का ट्रांसफर हुआ था आसाम,
गुवाहाटी अच्छा। और ये डिब्रूगढ़ असम की वहां पर, तो वहां वहां पर भटकते नहीं, राउरकेला हुआ था, ओडिशा में हुआ था, फिर ओडिशा से आसाम गए, फिर आसाम से नागालैंड गए, फिर नागालैंड से, इस तरह से बहुत जगह पे सभी राज्य हम लोग कवर कर चुके हैं पूरे भारत में। अच्छा अच्छा बिल्कुल, तो बहुत खुशी हुई है जानकर के कि आपको भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों में और राज्यों में जाने का मौका मिला, और वहाँ के प्रकृति, वहाँ की प्रकृति, वहाँ के परिवेश और समाज, जनजीवन सबको आप निकट से देखती रही हैं। और आपके पिताजी की अभिरुचि भी साहित्य में थी। हाँ बहुत साहित्य में थे वो, उन संस्कृत के इतने विद्वान थे वो हमको, और बड़े मतलब अनुशासन प्रिय भी थे, उनको ऐसा लगता था हम के मेरे बच्चों का व्यक्तित्व बहुत बने, तो जैसे हम कहते हैं कि माता से भी ज्यादा ध्यान मतलब वो पापा हमारा रखते थे, कि सुबह उठे हुए 4 बजे उनका श्लोक शुरू हो जाता था, श्वान निद्रा वको ध्यानम अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, में 4 बजे उठा ही देते थे हम लोग वो बोल बोल के संस्कृत, और तो हमारी आज तक आदत है, मेरी तो है, बाकी भाई बहनों की वो बाद में उनका थोड़ा बदल गया दिनचर्या, लेकिन मेरी आज भी आदत 4 बजे 4:15 बजे उठने की है। अच्छा, तो पिताजी संस्कृत से और भारतीय संस्कृति से बेहद अनुप्राणित संस्कारों के व्यक्तित्व के स्वामी थे आपके, सारे नीति श्लोक जो नीति श्लोक थे जो थे सब उनको कंठस्थ थे। वेद स्मृति कृति जी की रचनाओं में हमारी संस्कृति से गहरे प्रेम का भाव दिखाई देता है, इनकी लघु कथाओं को मैंने पढ़ा है, इनकी लघु कथाओं में संस्कृत साहित्य के जो की जो जीवन चेतना है तो उसके उसकी गहरी अंगूंज, उसका गहरा प्रभाव प्रदर्शित होता है। और अपने साहित्य के दूसरे अन्य पहलुओं के बारे में भी आप हमें बताएं तो हम नहीं बता पा रहे हैं, जैसे समाज से जो आपका सरोकार रहा है और जीवन के जिन और दूसरे प्रश्नों ने आपको उद्वेलित किया जिनको लेकर आप रचनारत रहे हैं, तो उन सब के बारे में आप मुझे बताएं। इनमें नारी जीवन से संबंधित, नारी जीवन से संबंधित प्रसंग भी शामिल हो सकते हैं। और एक मैं संयोग का संयोग बताना चाहती हूँ कि ऐसा था कि जब पहले तो मैं गद्य में छोटी छोटी कहानियां लिखती थी, उसके बाद संयोग से ऐसा हुआ कि किसी बड़ी क्लास में, मुझे वो कक्षा याद नहीं है कि 8वीं थी कि 9वीं थी कौन सी थी, लेकिन उसमें हमारी टीचर पढ़ा रही थी हिंदी के पीरियड में कि वो वाले की कविता का कविता शुरू कैसे हुई, वही वियोगी होगा पहला कवि आहा से उपजा होगा गान, इस तरीके का उन्होंने उस दिन क्लास में विश्लेषण वो बताया था, ये प्रसंग बताया था कि कैसे क्रौंच को तीर लगने के बाद में वाल्मीकि जी के मुख से स्वतः कविता फूटी थी। ये प्रसंग मैंने स्कूल में सुना, और जब मैं घर पर आई, क्योंकि उस समय हम लोग शायद 6 से कम की ही बात है, क्योंकि उसके बाद तो हम आगरा में रहे नहीं, तो वहां पर बड़ा अमर उजाला ही पेपर वहां पर आया करता था बहुत, और हर दिन मुझे अपने बचपन का ये याद है कि उसमें हर दिन किसी ना किसी लड़की को जलाने की और दहेज की उस समय में बहुत घटनाएं छपा करती थी, जो बातचीत हुआ करती थी उस समय में कि इनको जला कर मार दिया, उसको जला के मार दिया, स्टोव फट गया, सिलेंडर फट गया, कुएं में गिर गई, स्लिप हो गई, ये सब चीजें मतलब ऐसी न्यूज सुनती रहती थी। तो एक बड़ा ही स्कूल से मैं आई ये सुनकर के वियोगी होगा पहला कवि, और घर पर आकर के उसी दिन संयोग से वो समाचार पत्र में भी ऐसी ही कोई हृदय विदारक घटना कि वो जलकर कोई नारी को शादीशुदा बहुत कम समय हुआ था और उसको इस तरह दहेज के लिए बलि चढ़ा दिया गया, ये घटना मैंने पढ़ी, और वो उस समय मैंने पहली बार वो जो मुझे दुख हुआ उस दुख से ही फिर मैंने कनेक्ट किया कि वास्तव में जब दिल पर कुछ लगता है तभी कविता फूटती है। ये तो जो मैंने पहली 4 पंक्तियां लिखी थी उस समय मुझे छंद वगैरह की जानकारी नहीं थी कि छंद क्या होता है, मात्रा भार ये सब, लेकिन उस समय मैंने उस घटना को पढ़ के मैंने पहली कविता लिखी थी कि क्या तुमको बताएं बात अभी ये कल की थी, ये राख की ढेरी हाय कभी एक लड़की थी। इस तरह से वो कविता बनती थी। उसके बाद में बने कोपल प्यारी एक बगिया में जन्मी थी, फिर उसका बचपन से लेकर के वो वेदी पर बलि हो जाने तक का वो वर्णन एक फ्लो में निकला, उसमें कोई
उस समय के बचपन के हिसाब से उसमें उतना चंद अभी मैं दोबारा लिखूं तो उसको मैं परिष्कृत कर सकती हूं, लेकिन मुझे लगा कि तो आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि समाज में जो दुख जो लोगों के जीवन के हैं, स्त्री का जो दुख है, एक कन्या उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न के प्रसंग से किसी कन्या के जीवन की पीड़ा से आप यहाँ पर उद्वेलित होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो आगे चलकर करके ये सब ऐसे ही सिर्फ दूसरे प्रसंग सब जो हैं उन्होंने आपको बहुत ज्यादा मतलब व्यथित किया, और यहाँ से आप अपनी रचनाओं के लिए निरंतर संदर्भ वगैरह सब जो हैं उनको आप ग्रहण करती रहीं और कहानियां कविताएं ये सब गढ़ती रहीं रचती रहीं, तो इस तरह से समाज के साथ आपने एक संवाद किया, समाज के प्रति आपने विरोध का भाव प्रकट किया, सामाजिक जीवन के प्रति आलोचना की जो भाव जो है वो आपके साहित्य का एक मूल भाव बनता चला गया, और भी इसके जो दूसरे आयाम हैं आपके साहित्य लेखन के, संस्कृति से, भारत दर्शन से, प्रेम, ये सभी के बारे में बताइए। जैसे जैसे आयु बढ़ती गई, परिपक्वता आती गई, तो उस समय में जो भी समाज में घटित हो रहा था, तो कभी उदेक, फिर उसमें मैं कभी भी अतिवादिता में विश्वास नहीं करती कि हम नारी को लेके बैठ जाएं तो नारी ही उत्पीड़ित है, ऐसा नहीं है, पुरुष भी उत्पीड़ित है, कुछ एक वर्ग है वो भी उत्पीड़ित है, तो ये समझ जैसे जैसे समझ बढ़ती गई वैसे वैसे लेखन में भी वो चीजें दिखती गई, लेकिन मैं ज्यादातर धरातल पर बहुत परिलोक में नहीं रहती, जो वास्तव में यथार्थ है, धरातल है, सच्चाई है, उन्हीं को फिर मैंने लिखना शुरू किया। फिर मुझे छंद से बड़ा प्यार हुआ कि जब कोई चीज मैंने देखा कि ए मेरे वतन के लोगों जो गाना है वो इतना क्यों दिल को छूता है, तो कहीं ना कहीं तो कोई उसमें बात है कि जब हम कोई चीज, जब हम सच लिखते हैं तो वो जरूर से दिल को छूता है, क्योंकि वो बहुत ही श्रेष्ठ शायरकार प्रदीप जी की कलम से निकला हुआ गीत है जो आज भी आंसू ला देता है आंखों में। तो मुझे लगा कि हमें संवेदनशीलता होनी चाहिए, केवल शब्दों का जोड़ तोड़ ही कविता नहीं है, वास्तव में उसमें भाव भी होने चाहिए और आपके हृदय से निकलनी चाहिए। उस वक्त तो जब चीन का भारत पर हमला हुआ था और भारत की सेना के जवानों ने बहुत बहादुरी से उस चुनौती को जब स्वीकार किया था और प्राणपण से उन्होंने चीन के आक्रमण का जवाब दिया था अपने तौर से, अपने बलिदान से, तो वो एक सच्चाई थी। मुझे लगता है कि साहित्य में यथार्थ की बात जो हम लोग करते हैं, तो जिस तरह से स्त्री का जो उत्पीड़न है दहेज को लेकर, वो अगर एक मार्मिक सच्चाई है स्त्री के जीवन की, समाज की व्यवस्था की, तो देशभक्ति का भी जो सवाल है और एक देश की जो स्वतंत्र देश की जो सेना है उसके जवान जिस जीवन चेतना को लेकर जिंदगी को जीते हैं, हर वक्त उनके अरमानों में देश की सुरक्षा की का भाव समाया रहता है, वो अपने लड़ाकू विमानों को लेकर आकाश में उड़ान भरते हैं और शत्रु के विमान से वो टकराते हैं और बंदूक लेकर के वो सीमा पर अड़े रहते हैं, अपने शत्रुओं को अपनी तरफ बढ़ने नहीं देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्रसंग है। और आप ये एक तरह से आपने ये कहना चाहा है कि जो संवेदना है, जो भावना है, वो साहित्य की मूल वो अभिव्यक्ति है, और साहित्य वही है जो व्यक्ति के अंतर्मन को आंदोलित करे, उसे किसी बात का बहुत गहराई से आत्मिक स्तर पर बोध कराए जीवन के किसी उदात्त प्रसंग का। अगर मेरा यही मानना है कि अगर आपकी रचना किसी के मन पर छाप नहीं छोड़ती, अगर कोई सोचने के लिए अगर किसी को ना, तो उसकी सार्थकता क्या है, ना तो वो कोई संदेश दे रही है, ना वो किसी के जीवन में कोई बदलाव ला रही है, ना वो किसी को कुछ विचार करने पर विवश कर रही है कि वो इस क्षेत्र में विचार कर, तो फिर उस रचना का मुद्दा चढ़ के, ये तो जैसे हम लोगों को, हम चुटकुले पढ़ते हैं और भूल जाते हैं समय पे, कोई इसका एक भाई कोई चुटकुला सुनाओ तो जल्दी से याद नहीं आता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम कभी भूलते ही नहीं है और जितनी बार भी सुने उतनी बार ही वो मन को छू रही है। तो मुझे लगता है कि चाहे लघु कथा हो, गद्य हो, लेख हो, लेकिन आपकी लेखनी में, मतलब आप जो लिखो वो केवल दिखावा ना हो, वो वास्तव में आपने अनुभव किया हो, आपकी खुद की अनुभूति हो, या आपने वास्तव में उससे आपको पीड़ा हुई है, केवल शब्दों का खेल ना खेलें, भावना भी उसमें बहुत जरूरी है, तभी वो सामने वाले। आज के साहित्य के बारे में तो ये कहा जा रहा है
कि साहित्य में नैसर्गिक मतलब जीवन के जो सब भाव तब हैं, जीवन के नैसर्गिक भाव सब जो हैं अब वो विलुप्त होते चले जा रहे हैं, साहित्य भी जो है जैसे हमारा जीवन यांत्रिक होता जा रहा है, साहित्य में शब्द भी जो है एक यांत्रिक सांचे में ढलकर वो प्रकट हो रहे हैं जिनमें जीवन का स्पंदन उसी तरह से नहीं है जिस तरह से समाज में आत्मिक स्पंदन की का अभाव दिखाई देता है। बहुत बड़ी कमी साहित्य के बारे में ये बताई जा रही है। तो नहीं, सभी तरीका ये ऐसा नहीं है कि ये आज है साहित्य में मिलावट, आदिकाल से रही है। ऐसा नहीं है कि हम जब चंद्रवरदाई को पढ़ते थे या जो पुराने जो हमारे साहित्यकार उस समय भी ऐसे साहित्यकार थे जो शौक में साहित्यकार बने थे, लेकिन उनकी रचनाएं कहाँ गई, उन्होंने क्या लिखा वो किसी को नहीं पता। लेकिन कीट्स को हम अभी भी याद करते हैं, शेक्सपियर को अभी भी याद करते हैं, कालिदास जी कभी पुराने नहीं होंगे, तुलसीदास जी कभी पुराने नहीं होंगे, सूरदास जी जिन्होंने कुछ उम्दा लिखा है वो तो काल जयी होता है। काल कितना भी निकल जाए, मिलावट कितनी भी हो जाए, आज भी देखिए यांत्रिक भी सब हो गया है, लेकिन पहचान में आ रहा है ना कि कौन सच्चा साहित्यकार है और कौन केवल बस ऐसे ही। ये भेदभाव समझ में तो आ ही रहा है ना। तो जो अच्छा लिख रहे हैं उनका तो आगे वाली पीढ़ियां वही वही रह जाएगा। बिल्कुल, जो मौलिक साहित्य है, जो मौलिक लेखन है साहित्य का मौलिक लेखन, तो वो तो बराबर अपनी पहचान को कायम करेगा वो साहित्य, और व्यक्ति को वो दिशा निर्देशित करेगा, व्यक्ति की जीवन चेतना पर वह साहित्य असर डालेगा। और बिल्कुल जो बात प्रेमचंद ने कही थी कि साहित्यकार मानव की आत्मा का शिल्पी होता है और उसे मनुष्य के भावों का के परिष्कार के की जो चुनौती है उसको उसका सामना करना चाहिए। तो उस रूप में हमारे साहित्य में बहुत नए लेखक भी सामने आए हैं और आए हैं, और मुझे लगता है परिवर्तन को भी हमको परंपरा का देश है और वो परंपरा आज भी हमारे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। फिर मैंने तो ठीक है, आपके साहित्य के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छा लगा जानकर करके। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कोई कविता हमें सुनाए, आप कवित्री हैं, हिंदी की जानी मानी कवित्रियों में आपका नाम शुमार होता है। तो छोटा छोटा एक रचना, जैसे मैंने अभी दोहे लिखने शुरू किए हैं, तो दोहा देखिए कबीरदास जी के समय से चल रहा है, उससे भी पहले से चल रहा है, तुलसीदास जी सब लोग। एक दो लाइनों में बहुत बड़ी बात कहना, ये दोहे का मतलब है कि सिर्फ ये नहीं है कि हम 13-11 के भार से बस कुछ भी लेके वहां पर लिख दें। तो साहित्य हमेशा समाज का दर्पण होता है, कल को हम नहीं रहेंगे, हमारी पीढ़ियां पढ़ेंगी तो उनको पता चलेगा कि जिस समय में 2024 में किस प्रकार का समाज था, 2023 में किस प्रकार की बातें हुआ करती थी, क्या ये हम लोग वही देखेंगे। तो मैं कुछ दोहे रखती हूँ जो अभी थोड़े बहुत, उसके बाद कुछ मुक्तक वगैरह छोटी छोटी रचनाएं बीच बीच में रखूंगी। जैसे अभी मैंने दोहा लिखा, सबसे ज्यादा जैसे इस समय पीड़ा हो रही है कि न्यायालयों में भी उतना न्याय नहीं मिलता, सभी लोग देखते हैं। तो साहित्यकार का जैसे कबीरदास जी ने उस समय के पाखंड पर लिखा था, तो मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत न्याय शपथ ले कर करें, न्याय शपथ ले कर करें, प्रतिदिन ही अन्याय न्याय मूर्ति कहते इन्हें, तनिक न लज्जा आए तनिक न लज्जा आए। न्याय मूर्ति आप कह रहे हैं और न्याय नहीं कर रहे हैं। तो गद्दी न्यायाधीश की बैठ करे अन्याय, दंड मिले निर्दोष को दोषी मौज मनाए, दोषी मौज मनाए। अपराधों के लिख रहे गुनहगार अध्याय, न्यायालय से कब मिला निर्दोषों को न्याय, निर्दोषों को न्याय। और ये दोहा मैंने, एक सच्चाई है ये सभी जानते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी लड़े, पीढ़ियां गुजर जाती हैं केस लड़ते लड़ते, और एक पीढ़ी गुजर गई, दूसरी पीढ़ी गुजर गई, लेकिन न्याय नहीं मिला। कि पीढ़ी दर पीढ़ी लड़े मिला ना फिर भी न्याय, कातिल को कर दे बरी मोटी रिश्वत खाए,
मोटी रिश्वत खाए, पैसे पे अपना ईमान धर्म सब कुछ बेच देना, या और जो मुझे सबसे ज्यादा बात वो करती है, पीड़ा देती है, वो मुझे ये दोगलापन बिल्कुल पसंद नहीं है कि बातें तो आप बहुत अच्छी अच्छी करें लेकिन आपके आचरण में वो बिल्कुल दिखाई ना दे। ये बात मुझे बहुत पीड़ा है कि लोग लेक्चर बहुत अच्छा देते हैं आकर के बाहर के ये ऐसा करना चाहिए वैसा, लेकिन उनको देखो तो उनकी करनी बिल्कुल विपरीत। और सबसे ज्यादा जो रोग इस समय बढ़ रहा है वो आत्ममुग्धता का है। हर व्यक्ति में बहुत देख रही हूँ 90% लोग अपने ऊपर ही मुग्ध रहते हैं, ना किसी का सुनेंगे, ना किसी को देखेंगे, ना किसी की प्रशंसा करेंगे। ये आपने भी देखा होगा, आप भी अब सोशल मीडिया पे अपनी रचना डाली वहां से भागे, कभी किसी पे प्रतिक्रिया नहीं, बस ये देखने आते हैं मेरी रचना पर कितना कमेंट आया। तो जो चीज आपने दी नहीं है वो आपको मिलती नहीं है, सम्मान देकर ही सम्मान मिलता है, प्रशंसा देकर ही प्रशंसा मिलती है। तो मैं उनके लिए कहती हूँ कि निज मुख निज वंदन करें, बस उनका मुंह अपनी वंदना में ही इस्तेमाल होता है, निज मुख निज वंदन करें समझे सबको हीन, निज मुख निज वंदन करें समझे सबको हीन, कहे कृति संसार में इनसे बड़ा न दीन, इनसे बड़ा न दीन। ये लगता है मुझे उन पर बड़ी दया आती है कि उनको पता ही नहीं रहता है कि वो कितने रीते हैं, खाली हैं अंदर अंदर से। और आप कहें तो एक दो, अब हम लोग आपके आपकी कोई कविता सुनना चाहेंगे, आपके दोहे बहुत अच्छे लगे, आपने दोहों में आज के समाज की विषमताओं पर और विसंगतियों पर आपने बेहद चुभती हुई बातें आपने कही हैं, और बहुत सारे संदर्भ जो है निश्चित रूप से विचारणीय है, जिनमें आत्मता का भाव जो लेख के भीतर जो पैदा हो रहा है कि अगर उनको अच्छे लाइक्स मिल जाते हैं थोड़ी अधिक संख्या में, उनको लगता है कि वो बहुत बड़े लेखक बन गए। और कई बार तो वो भेजते हैं अपने ये लिंक को कि लाइक कर दो भाई, सो लाइक कर दो, है ना, मुझे ऐसे कुछ पॉइंट्स पाने हैं, मैं विनर बनना चाहता हूँ, ये कंपटीशन है। निश्चित रूप से साहित्य नहीं है, ये साहित्य नहीं है, साहित्य वही है जो साहित्य हमारी जो पत्रकारिता है हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता, उसमें जो रचनाएं प्रकाशित हो रही हैं और जो साहित्य जो पुस्तकों में प्रकाशित हो रहा है, जो सामने आ रहा है भारत हिंदी का जो साहित्य है उसकी पहचान, बहुत ही बढ़िया पॉइंट उठाया कि ये भेजना कि मुझे जिताने के लिए वोट दो, अरे वोट पर आधारित है अगर आपकी गुणवत्ता, तो फिर वो गुणवत्ता सोशल मीडिया के आने के बाद साहित्य में बहुत सारी विसंगतियों का समावेश हो रहा है। मैं खुद सोशल मीडिया का ही साहित्यकार मानता हूँ खुद को, लेकिन मुझे इस मीडिया की विसंगतियों से बहुत विरोध रहा है, अक्सर मैं इसके खिलाफ बोलता रहा हूँ। देखिए हम यंत्रों के युग में अगर हमने जन्म लिया है, ये हमारा वर्तमान है, तो इससे कोई हमको सिर्फ ये देखना है कि जो कीचड़ है वो नहीं उठाना है, बस मोती है वो उठाना है। परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, लेकिन परिवर्तन को कितना स्वीकार करना है। बिल्कुल, आप अपने दामन को पास। अच्छा, अब मैं अभी चाहता हूँ कि हम लोग आपकी कविता सुने। हमें एक गजल पढ़ती हूँ, एक गजल पढ़ती हूँ मैं छोटी सी विसंगे पर, तो जो छोटी रचना रहती है वही पढ़ो। एक गजल है कि हुई जब से पैसे वालों की दुनिया, बनी छल कपट और चालों की दुनिया। हुई जब से पैसे वालों की दुनिया, बनी छल कपट और चालों की दुनिया। कभी बैठती हूँ मैं तन्हा कहीं पर, उमड़ती है दिल में सवालों की दुनिया, उमड़ती है दिल में सवालों की दुनिया। मिलेंगे जहां में अनेकों सुखनवर, कभी देख जानम मिसालों की दुनिया।
कभी देख जानम मिसालों की दुनिया। ये शेर उनके लिए है जिन्हें लगता है मेरे जैसा कोई नहीं है। अगर मिसालों की दुनिया देखें तो दुनिया में सभी प्रकार के लोग बहुत हैं। बिल्कुल, आज का जो दौर है इसमें हर आदमी जो है अपनी हैसियत को लेकर सबसे ज्यादा वो सजग है, और अपनी हैसियत को जिस अंदाज में वो दिखा रहा है उसमें वो किसी से कम मानने को तैयार है। और आज के दौर में ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम लोगों से कैसे बातचीत करें, दूसरों की हैसियत के सामने अपनी हैसियत की पहचान कैसे करें। ये शायद सबसे बड़ा अहम सवाल सभी लोगों के सामने अक्सर खड़ा रहता है। अक्सर लोग अपने पद को लेकर के, अपने धन दौलत को लेकर के, अपने गरिमा को लेकर के, अपनी इज्जत को लेकर के समाज में टिकने की कोशिश करते हैं, लेकिन टिकने की कोशिश करते हैं लेकिन अक्सर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें उसे नकारा जा रहा है, उसे बिल्कुल उससे कुछ सवाल पूछा जा रहा है, उसे चुप रहने के लिए कहा जा रहा है, वह अनुत्तरित सा होता चला जा रहा है, वह मौन होता जा रहा है, चुप्पी में वो मानो खो रहा है। तो ये सब सारे प्रसंग जो हैं बेहद चिंता पैदा करते हैं, और आपने अपनी कविता में इन सब सारे प्रसंगों को एक तरह से समेटने की चेष्टा की है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। से हटकर मैं अभी चलो एक श्रृंगार का भी थोड़ा, सभी रस है वैसे, ऐसा नहीं है कि हम सामाजिक लिखे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसमें कभी क्रोध भी है, कभी करुणा भी है, श्रृंगार भी है, प्रेम भी है, वियोग भी है, सभी कुछ है। तो एक श्रृंगार का सवैया सुनाती हूँ छोटा सा, ये गजल अभी पूरी में शेर बाकी थे, बाद में पढ़ती हूँ एक सवैया छोटा पढ़ती हूँ श्रृंगार रस का। गीत सजे अधरों पर है जब मीत बने तुम फूल खिले, गीत सजे अधरों पर है जब मीत बने तुम फूल खिले, देख तुम्हें अनुराग जगा और मोद हुआ मन दीप जले, प्रेम पुजारिन हूँ तब से जब से सजना तुम आन मिले, और कूज रहा मन कोयल सा हिय हुक उठे मन प्रीत पले, हिय हुक उठे मन प्रीत पले। ओ ऐसा नहीं है, श्रृंगार वगैरह भी लिखा है मैंने, कभी गीत भी लिखे हैं, महिया वगैरह भी लिखे हैं। और आपने अपनी रचनाओं लगा जनसरोकार मंच पर लेखों, और आपसे आग्रह है कि आप आगे भी इस कार्यक्रम में आती रहें और भाग लेती रहें। बिल्कुल, हम इसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और आज का बातचीत करके हमें काफी अच्छा लगा। चलिए, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपने आमंत्रित किया, मैंने भी कुछ पल साझा किए, पुरानी यादें ताजा की, बहुत बहुत धन्यवाद।